साखी गुरु नानक देव जी अते बालक भाई तारू। गुरु नानक देव जी की संगत विच एक 10 साल का बच्चा आउंदा है जिसका नाम है भाई तारू। एक दिन गुरु नानक साहब पुछदे हन, भाई तेरा की नाम है? बच्चा दसदा है, मेरा नाम तारू है। गुरु साहब कहिंदे ने, भाई तू इन्नी छोटी उम्र विच संगत नाल इत्थे की करन आउंदा है? भाई तारू कहिंदा है, बाबा जी मैं सुनिया है कि संतां दी संगत करके कल्याण हुंदा है अते संतां दी संगत बंदे नूं उस दे मुकाम ते पहुंचा दिंदी है। गुरु साहिब कहन लगे कि भाई तैनू इन्नी छोटी उम्र विच कल्याण अते मुकाम दी जानकारी किवें है? कहन लगा, बाबा जी ये शब्द मैनू किसी ने सिखाए नहीं हन, मेरे अंदरों ही मैनू महसूस होया है कि इंसान दा कोई मुकाम जरूर हुंदा है। बाबा जी पूछन लगे, भाई तेरे अंदरों ये शब्द क्यों उपजे? कि तू इस बारे कितों पढ़िया है? जां भाई तारू कहन लगा कि बाबा जी ये शब्द मेरे अंदर चुल्हे की अग नू वेख के उपजे हन। गुरु जी ने फिर पूछया, वो किद्दां? तां भाई तारू कहन लगा, बाबा जी एक दिन मेरी माँ चुल्हे विच अग बालन लगी तां उसने दरख्त तों टाहणियां तोड़ के उन्हां नू चुल्हे विच रख के अग लाई अते बाद विच वड्डियां लकड़ां तोड़ के उन्हां नू अग लाई। मेरे मन नू यह महसूस होया कि दरख्त दीआं टाहणियां इस दुनिया विच बाद विच आईआं हन, पर उन्हां नू अग पहला लगा दित्ती गई अते टाहण पहला पैदा होए हन, पर उन्हां नू मौत बाद विच आई है। इस तों मेरे मन विच बैराग आया कि बच्चे इस दुनिया विच बाद विच आए हन, पर कुछ पता नहीं वह दुनिया विच पहला चले जाण। मौत दा कुछ नहीं पता कि बच्चियां नू पहला आ जावे, इस करके मेरे मन विच आया कि किसी साधु पासों कल्याण दा रस्ता जाण लेना चाहीदा है। गुरु साहिब भाई तारू तों खुश होए अते उस नू नाम जपन कीर्त करन अते वंड छकन दा उपदेश दिता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।